हेलो दोस्तों, कैसे हो? तुम्हारा भाई आ गया नई वीडियो लेके गया। क्या बात है, आज तो इसका मीटर रिपेयर होगा भाई। आज जाएंगे मीटर रिपेयर वाले के पास। और भाई मीटर रिपेयर वाले के बाद वहाँ बताइए भाई, मीटर वाले कौन से भाई? अपने नदीम भाई के पास निकल रहे हैं यहाँ से। इस गाड़ी में मीटर में दिक्कत क्या है इसकी, मैं बता देता हूँ आपको। जब चाबी हम ऑन करते हैं गाड़ी की, तो चाबी ऑन करने पर इसका मीटर जो लाइट होती है ऑरेंज कलर की, वो नहीं चलती है। वो सही करानी है। तो यार देखो, हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसकी एलईडी, छोटी छोटी एलईडी होती है, ख़राब हो जाती है वो। अब छोटी छोटी एलईडी ख़राब होने की वजह से मीटर की लाइटें बंद हो जाती हैं। तो इस साइड की तो काम कर रही है जो हमारे ऑडियो मीटर वाली लाइन है, पर मीटर की ये जो डिस्प्ले है ना, इसकी मीटर की लाइट काम नहीं कर रही। अब देखते हैं, पता लगाते हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो मिलते हैं आपसे भैया की दुकान पर, नदीम भैया की दुकान पर मिलते हैं भैया। चलो निकलते हैं। ये जो मीटर है मैंने खोला नहीं है, इसका रीज़न सिर्फ आपको बता देता हूँ मैं क्यों है। क्योंकि वहाँ पर उनके लड़के हैं, हेल्पर हैं, वो मीटर खोल लेते हैं और मीटर खोल के वो रिपेयर कर भी लेते हैं और मीटर वापस फिट भी कर देते हैं। अगर आपको लगता है आपके मीटर कोई ख़राब है या मीटर में कोई पानी चले गया है, मतलब किसी भी चीज़ से रिलेटेड मीटर में दिक्कत आ रही है, तो आप जाके ठीक करा सकते हैं उनसे। पर एक बात याद रखना, डिजिटल मीटर ज़्यादातर उनके पास ठीक होते हैं, एनालॉग भी हो जाते हैं। पर एनालॉग मीटर में लोग क्या सोचते हैं यार, मीटर की गरारी या केबल ख़राब हो जाती है, तो कहीं ऐसा ना हो मीटर के वाले के पास ही पहुँच जाओ, मैं मीटर रिपेयर कर दूँ, तो गरारी केबल भी से भी वजह से भी मीटर जो है ख़राब हो जाता है। पर डिजिटल मीटर का मैं बता देता हूँ, देखो यार, डिस्प्ले चली जाती है, पानी भर जाता है, डिस्प्ले फूक जाती है, मीटर फूक जाता है, बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से हमारा मीटर ख़राब हो जाता है। तो यहाँ से थोड़ा सा हमें लेना है, बंदों के धनो यार, ये मैंने ले लिया यहाँ से लेफ्ट, सामने दुकान है। तो भाई ये रही दुकान हमारी मीटर रिपेयर की, सामने देख रहे हो नदीम भाई मीटर रिपेयर। बहुत बढ़िया भाई, बढ़िया। तो भाई मिलते हैं और बात करते हैं आगे। सीट इसका जो मीटर है वो निकाल दिया है और काफ़ी जल्दी निकाल दिया है, मतलब 10 मिनट मैक्सिमम हो, 10 मिनट में 3 बंदे लगे, धैड़ पर खुल दिया। लेकिन भाई ने भाई फटाफट से इसका मीटर निकाल दिया है और अब मीटर लेके गए दुकान में। तो देखता हूँ भाई मीटर के में क्या हो रहा है। बता रहे हैं कि सर की एलईडी में दिक्कत है, देखते हैं जो भी है और बताते हैं आपको जैसा भी है। ओके चलो चलते हैं दुकान के अंदर। तो भाई अंदर आ गया वर्कशॉप के अंदर, तो सर की दुकान है। जैसे कि पिछली बार आया था वीडियो में देखा था आपने, सर नहीं थे यहाँ पर, सर बाहर किसी जगह से गए थे, मतलब किसी काम से। तो ऐसा नहीं कि इनकी बगैर मौजूदगी में काम नहीं होगा, इनकी बगैर मौजूदगी में भी काम हो जाएगा और इनके सामने भी काम हो जाएगा। तो आप अगर चाहो तो यहाँ पर आ सकते हो, विजिट कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख रहे हो मेरे सामने मीटर है और मीटर जो है खुल रहा है। ये है डिजिटल मीटर अपना इग्नाइटर का, और इसमें आपको बता ही दिया मैंने क्या दिक्कत आ रही है। तो अभी खोल के देखते हैं क्या है क्या नहीं है, तो जो भी आपको बताते हैं फटाफट से आपको आगे की तरफ मिलते हैं। आगे चुका है तो सर बता रहे हैं कि इसमें जो लाइट होती है वाली हमारी, ये एलईडी लाइट ख़राब हो जाती है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाती है ख़राब, एक्चुअली एलईडी तो होती है। और एलईडी यार, अगर तुम्हें को लग रहा है तो देखो, कंपनी में जाओगे तो यार कंपनी तो आपको पता ही, हीरो की कंपनी क्या कहेगी, लाइट ख़राब होगी मीटर चेंज कर दो भाई, वहाँ पर मीटर रिपेयर वाला का तो कोई सीन नहीं, सर आपको पता ही है ना। तो सर ये लाइट वाइट डाल देंगे और ये जो मीटर एकदम परफेक्ट हो जाएगा, बढ़िया एकदम ओके हो जाएगा। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो मीटर फटाफट से रिपेयर कराते हैं, इसका ओके कराते हैं और इसको चालू करने के बाद आपको एक बार दिखाते हैं। अच्छा एक और डाउट है, जैसे कि इसमें लाइट जो है ऑरेंज जल रही थी पहले, तो हम अगर चाहें तो नीली पीली हरी गुलाबी कोई सी भी लगा सकते हैं, सब हो जाती हैं और डेट वेट का सेम रहता है, अलग बदल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सेम रहता है एकदम। और एक चीज़ और, मेरे को एक सब्सक्राइबर ने पूछी थी मेरे से कमेंट करके, भाई अगर मीटर के अंदर अगर हम चाहें तो उसकी डिस्प्ले के अंदर, जैसे डिस्प्ले में कोई चाबी ऑन करने में कुछ नाम नहीं आता और नॉर्मल गाड़ी है, तो हम अगर ऐसा चाहें जैसे मीटर में हम अपना नाम चाहें तो आ सकता है, अपना नाम आ जाता है। अच्छा अच्छा, जैसे नहीं भाई बाइक को कुछ भी हो सकती है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो भाई मीटर के बारे में, मतलब मीटर से रिलेटेड कोई भी नॉलेज अगर आपको चाहिए हो या कोई भी जानकारी चाहिए हो, तो भाई आप यहाँ पे आके विजिट करना और आप यहाँ पे अपनी बाइक को दिखा सकते हो, मीटर को दिखा सकते हो। अगर आपको डाउट हो रहा हो तो भाई रिपेयर मत कराना, बस विजिट करना, एक बार विजिट करके खुद देख लेना, एकदम अलग ही मतलब मज़ा आ जाएगा। तो फटाफट से समय ना गवाते हुए फटाफट मीटर से करते हैं ओके और आपसे मिलते हैं आगे मीटर ओके करने के बाद। मीटर है ओके हो चुका है, अभी टेस्टिंग ले जा रहा है, चाबी ऑन करते हैं फटाफट से, गाड़ी का मीटर चेक करते हैं। ऑन करो चाबी भाई। तो ये भाई साहब लाइट जल गई यार, मज़ा आ गया, दिवाली बन गई भाई दिवाली। तो भाई फटाफट से इसको हम पैक करते हैं और अभी इसका पेट्रोल जो मीटर है वो चेक करते हैं, उसके लिए टंकी खोलनी पड़ेगी, फ्यूल गेज बाहर निकालना पड़ेगा, हो सकता है फ्यूल गेज में दिक्कत हो। ये भी मैंने इनके ऊपर छोड़ दिया, जो भी ओके कर दो, बढ़िया कर दो मस्त। तो यहाँ पर आने के बाद टेंशन फ्री रहता हूँ मैं। तो अभी फटाफट से इसका मीटर जो है हो चुका है, फ्यूल गेज चेक कर लेते हैं ओके। अभी फिलहाल जो है इसका मीटर जो है ओके हो चुका है, गाड़ी खुली हुई है, इसको फटाफट से पैक कर देते हैं गाड़ी को। काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसमें चेक करी गई हैं, तो एक मतलब एक होता है ना एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ यार मेरी गाड़ी के मीटर में दिक्कत आ रही है, तो वो एक्सपेक्टेशन आपकी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी कि हाँ चलो यार मेरी गाड़ी ओके हो गई। तो जैसे कि मैं फ्यूल मीटर के बारे में बताया था, फ्यूल मीटर की प्रॉब्लम आ रही है, और दूसरी बताया था इसमें लाइट नहीं जल रही है, तो अभी लाइट इसमें वाइट वाली जल रही है, देखो मैं दिखाता हूँ, बहुत मस्त एकदम मस्त।
ये देखो ये हमारा फ्यूल मीटर है, ये मैं दिखाता हूँ सबसे पहले, ये हमने ऊपर हो गया, ये पूरा पेट्रोल टैंक फुल एकदम मक्खन, ठीक है। और ये हमारा जो है मीटर की लाइट जल गई है, ओके। तो यहाँ की लाइट और यहाँ की लाइट, यहाँ मतलब कंप्लीट मीटर हमारा ओके हो चुका है, ओके। और बाकी उसके अलावा बात की जाए, अच्छा यहाँ से मीटर मैन से पूछता हूँ दो तीन चीज़ें, जैसे मान के चलो सर यहाँ से मीटर अगर रिपेयर होता है तो उसकी गारंटी वारंटी लेते हो आप? पूरी गारंटी है। कितने महीने की गारंटी होती है तकरीबन? देखो पानी ना जाए दो चार महीने में कोई भी कंप्लेंट हो आप देख सकते हैं। अच्छा अच्छा, जैसे पानी जाने से ही खराब होता है। हाँ ये तो है दोस्तों, देखो ये तो है यार, देखो गाड़ी जो है वाटरप्रूफ नहीं होती है, आपको पता है मीटर जो है वाटरप्रूफ होता है, वो भी इसलिए क्योंकि इसका ग्लास होता है और ये रबड़ होती है, इसलिए पानी से बचाता है। अगर आप रबड़ और ये ग्लास टूट जाए या कुछ हो जाए तो मीटर में पानी चले जाता है और फिर वो खराब हो जाता है। वही फ़ोन का मान लो यार, फ़ोन की स्क्रीन टूट जाए पानी चले जाए, फ़ोन में पानी चले जाए की बात है ना, तो ये डिजिटल चीज़ है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखनी है। बाकी तो आपको यार यहाँ पर आओगे ना तो विजिट करोगे तो अलग ही मज़ा आ जाएगा, आके देखना एक बार और मज़ा आ जाएगा। मतलब काम बेशक है, आपके मन में डाउट हो या कुछ हो काम बाद में करा लेना, पर एक बार आके विजिट जरूर करना, विजिट करके पता लग जाएगा हाँ यार काम कैसा होता है, ओके। तो वीडियो भाई कैसी लगी मुझे बताना, बाकी आप तो दो चार बातें करते हैं और मिलते हैं आगे। तो भाइयों फाइनली हमारा जो मीटर है ओके हो चुका है, हम गाड़ी को स्टार्ट कर रहे हैं और निकलते हैं यहाँ से आगे की तरफ। और मैं आपको दो चार बातें बताता हूँ जो मेरे को बहुत अच्छी लगी यहाँ पर आके। देखो यार, इंसान की दुकान चाहे कैसी भी हो, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, अगर इंसान काम करने वाला इंसान जो होता है हमारा काम बढ़िया करके दे देता है तो यकीनन यार वो चीज़ जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाती है काम को लेकर। तो यार हम इन सब चीज़ों को नोटिस नहीं करते कि दुकान छोटी हो या बड़ी हो, हम इन सब चीज़ों को नोटिस नहीं करते खाते समय छोटी हो या बड़ी हो, हमें वो स्वाद मिल जाता है ना। तो इंसान की जो एक दुकान होती है, मैं कैसे बताऊँ आपको, मैं जो दुकान होती है उसकी, उस दुकान में वो स्वाद मिल रहा है ना आपको, जो स्वाद वो एक फाइव स्टार होटल में मिल सकता है, तो यकीनन वो आपको कभी भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दुकान की बात कर रहा हूँ मैं, ओके। तो यही सीन यहाँ का हुआ, यहाँ काम मेरा इतना बढ़िया हो गया, मतलब बिना बोले देखो इसका मीटर के जो अंदर एक मतलब टाइम ही होता है, टाइम 5:22 हो रहे हैं अभी शाम के, और अभी फ़िलहाल टाइम भी देखा जाए तो उन्होंने बिना बोले बिना अपनी मतलब बिना मैंने बोला भी नहीं उनको, अपनी मर्ज़ी से उन्होंने टाइम सेट कर दिया इसका, अपनी मर्ज़ी से फ्यूल के इसकी फ्यूल ये जो मीटर था इसका यहाँ से ठीक था। मैंने एक्चुअली चेक नहीं किया, मैं डायरेक्टली मतलब गाड़ी को मेरे पास कस्टमर लेके आया, मैं तुरंत ही लेके आया, मैंने चल कोई नहीं नदीम भाई के पास चलते हैं सही कर देंगे, तो इसके फ्यूल गेज में प्रॉब्लम थी वो इन्होंने तुरंत ठीक कर दी एक मिनटों में। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कोई बहानाबाजी नहीं दी कि भाई मेरे पास नहीं हो पाएगा ये नहीं हो पाएगा ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ इतना बोला कि भाई होगा क्यों नहीं, काम तो यार होगा पर बढ़िया होगा और मस्त होगा, और वाकई में यार हुआ बढ़िया। मतलब वही ना, हम जब सब्र कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर तो जो फल मिलता है ना वो बहुत ही बढ़िया मिलता है, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो फल मिला मुझे बहुत अच्छा मिला और मेरी गाड़ी का काम हो गया है। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ दिखाई है कि भाई मीटर से रिलेटेड एक पहले भी वीडियो बनाई थी, पर वीडियो जो पहले वाली थी वो वीडियो काफ़ी बड़ी थी और उसमें काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता लग पाया। तो भाई अभी फिलहाल मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी वरना। तो ठीक है, फटाफट से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई लव यू एंड टेक केयर, बाय बाय।